इन दिस सेक्शन वी आर गोन टू टॉक अबाउट द सेगमेंटेड मार्केट्स थेरी सो प्रिवियसली वी वर टॉकिंग अबाउट द एक्सपेक्टेशन थेरी एक्सपेक्टेशंस थेरी कहती है कि बॉन्ड्स डिफरेंट टाइम पीरियड में मेचोर होने वाले बॉन्ड्स की मार्केट एक ही है और साइमल्टेनियसली इन्वेस्टर जो है वो कंसिडर करता है शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स को उनके जो रिटर्न है उस पर जो उसको मुनाफा मिलने वाला है उसको वो कंपेयर करता है लॉन्ग टर्म बॉन्ड से और अगर शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स की एवरेज लॉन्ग टर्म बॉन्ड की यील्ड से मैच कर जाए तो वो इनडिफरेंट हो जाता है वो फैसला करता है कि मैं लॉन्ग टर्म बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट करूँगा या शॉर्ट टर्म बॉन्ड में करूँगा दोनों कंसिडरेबल ऑप्शन उसके लिए होते हैं बट इफ़ वी लुक एट द सेगमेंटेड मार्केट्स थेरी दिस इज़ समथिंग विच इज़ एक्सट्रीमली ऑपोजिट टू दैट वन सो दिस इज द अदर एंड सो सेगमेंटेड मार्केट थेरी कह रही है अकॉर्डिंग टू सेगमेंटेड मार्किट्स थेरी जो इंस्ट्रोमेंट्स हैं आपके फाइनेंशियल बॉन्ड्स वो डिफरेंट मैचोरिटी टाइम पीरियड के हैं अगर तो उनको कम्प्लीटली डिफरेंट मार्केट वो कॉन्स्टिट्यूट करते हैं दे आर कम्प्लीटली सेगमेंटेड दे आर दे बिलोंग टू डिफरेंट सेगमेंट्स ऑफ द मार्केट सो प्रीवियसली वी वर सेंग के शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म डिफरेंट डनोमेशन के या डिफरेंट मैचोरिटी के टाइम पीरियड के जो बॉन्ड्स हैं उनकी सेम मार्केट है और वो परफेक्टली सब्सिट्यूट हैं एक दूसरे के सो इफ दे आर इफ द एक्सपेक्टेड गिल्ड इज़ द सेम फॉर द शॉर्ट टर्म और द लॉन्ग टर्म द इन्वेस्टर्स बिकम इन डिफरेंट वो दोनों में से कुछ भी ले सकते हैं दोनों को इक्वली पसंद करते हैं या डिमांड करते हैं ऑन द कंट्री सेगमेंटेड मार्केट सर कहती है कि जो शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स हैं जो लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स हैं जो मीडियम टर्म बॉन्ड्स हैं इनकी मार्केट्स बिल्कुल मुख्तलिफ हैं एंड दे कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज परफेक्ट सब्सिट्यूट्स दे बिलोंग टू दे कॉन्स्टिट्यूट डिफरेंट मार्केट्स सो इनके जो इन्वेस्टर्स हैं वो भी मुख्तलिफ हैं उनकी प्रेफरेंस मुख्त होती हैं फॉर एक्ज़ाम्पल वी कैन से दैट इफ सपोज सम्बडी इज़ ट्राइंग टू इन्वेस्ट वो समझ रहा है कि मुझे बीस साल के बाद कुछ पैसे चाहिए ताकि मैं अपने बच्चों को अभी वो छोटे हैं उनको जब वो बड़े हो जाएंगे तो फिर मैं उनको आला तालीम के लिए बाहर भेजूंगा तो उसको पैसे चाहिए इस तरह के इन्वेस्टर को पैसे चाहिए बीस साल के बाद तो वो इन्वेस्ट करना चाहेगा लॉन्ग टर्म मेचोरिटी लॉन्ग टर्म बॉन्ड में जो कि बीस साल में मेचोर होंगे लेकिन देर कुड बी अदर टाइप ऑफ कस्टमर्स जो कि बिल्कुल ही डिफरेंट मार्केट कॉन्स्टिट्यूट करते हैं तो जो कि शॉर्ट टर्म बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट करना चाहेंगे जिनको एक साल के अंदर अंदर पैसे चाहिए एक साल के बाद पैसे चाहिए या दो सालों में पैसे चाहिए तो सेगमेंटेड मार्केट से ये कह रही है कि वी कैन वी द इन्वेस्टर्स हु आर डिमांडिंग और हु डिमांड और हु इन्वेस्ट इन शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स एंड द इन्वेस्टर्स हु इन्वेस्ट इन लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स दे कॉन्स्टिट्यूट कम्पलीटली डिफरट सेगमेंटेड मार्किट्स उनकी मार्किट्स बिल्कुल ही मुख्तलि हैं और वो सब्सिट्यूट्स नहीं होते सो दैट इज द बेसिक डिफरेंस सो इन दिस कॉन्टेक्सट वहाँ तो हमने देखा एक्सपेक्टेशन थेरी में कि जो लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स हैं उनकी जो हील्ड है या उनका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसको मैच किया जाता है एवरेज और शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स के साथ लेकिन यहाँ पर सेगमेंटेड मार्केट थेरी कह रही है कि जो हील्ड है या जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो प्योरली प्योरली किसी भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के ख्वाह वो शॉर्ट टर्म है या वो लॉन्ग टर्म है उसकी डिमांड और सप्लाई की बेसिस पे तयन होता है उसका सो बेसिकली व्हाट वी आर ट्राइंग टू से मेचोरिटी टाइम पीरियड को कंसिडर करते हैं लोग मगर जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करने वाला इन्वेस्टर है वो उसके डायनामिक्स और उसके प्रेफरेंसेस कंप्लीटली डिफरेंट हैं और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर का जो डायनामिक्स हैं वो कम्पलीटली डिफरेंट है सो दे बिलोंग टू टू डिस्टिंक्ट डिफरेंट सेगमेंट्स और टू डिस्टिंक्ट डिफरेंट मार्केट्स बेसिकली द की असमशन विच एक्सप्लेन दिस पर्टिकुलर विच इज मेड इन टू एक्सप्लेन दिस पर्टिकुलर थेरी ऑफ सेगमेंटेड मार्केट्स इज दैट दे द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेचोरिटी बॉन्ड्स मॉ बॉन्ड्स विद डिफरेंट मचॉरिटीज कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज सब्सटीट्यूट ऑफ ईच अदर बिकॉज उनका जो इन्वेस्टर है वो ऑल टूगेदर डिफरेंट है उसके प्रेफरेंसेस डिफरेंट है उसके जो फैक्टर्स हैं जिनको वो कंसिडर करके इन्वेस्ट करता है शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट में या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में वो बिल्कुल कम्प्लीटली डिफरेंट हैं इसलिए एक शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स की मार्केट के डायनिक्स या फैक्टर्स लॉन्ग टर्म बॉन्ड की मार्केट के डायनेमिक्स या फैक्टर्स को इन्फ्लुंस नहीं करते एंड दे कैन नॉट बी कंसिडर एज द आल्टरनेटिव ऑप्शंस के अभी हम वी आर इन डिफरेंट दैट वी इन्वेस्ट इन द शॉर्ट टर्म टाइप शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स और द लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स सो दे आर कम्प्लीटली डिफरेंट टाइप्स ऑफ थिंग्स सो जनरली इट हैज़ बीन ऑब्जर्व कि जो इन्वेस्टर है या बॉन्ड होल्डर है वो रिस्कवर्स होता है तो रिस्क वर्स में आप रिस्क वर्स बिहेवियर की वजह से आप बहुत ज़्यादा लंबे टाइम पीरियड के लिए अपने पैसे इन्वेस्ट नहीं करना चाहते तो जनरली इट इज़ ऑब्जर्व के जो इन्वेस्टर है या बायर ऑफ द बॉन्ड्स है वो कोशिश करते हैं कि हम ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स में करें ताकि हमें जो भी मुनाफा मिलना है वो रेडिली मेचोर हो जाए हमारा बॉन्ड और हम उससे अपने पैसे रिटर्न्स जो भी हमने कमाना है प्रॉफ़िट जनरेट करनी है वो हम जल्दी से ले लें तो इस पर्टिकुलर एस्पेक्ट की वजह से इन ये ज़्यादा पसंद किए जा रहे हैं शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स इनमें ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होती है और चूँकि इनमें ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होती है तो इस वजह से इसके ऊपर जो इंटरेस्ट रेट है या हील्ड है वो ज़्यादा नहीं होता लेकिन लॉन्ग टर्म बॉन्ड में बेसिकली जो इन्वेस्टर है वो चूँकि रिस्कवर्स है तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट तभी वो करेगा जब उसका जो यील्ड उसको मिल रहा है एक्सपेक्टेड यील्ड दैट इज़ थोड़ा सा हायर होगा एज कम्पेयर टू कम अज़ कम थोड़ा हायर हो एज़ कम्पेयर टू शॉर्ट टर्म बॉन्ड के हील्ड से ताकि उसको अपने ज़्यादा देर पैसे इन्वेस्ट करने से उसको कोई फ़ायदा पहुँचे तो दिस टाइप ऑफ अ बिहेवियर इज़ ऑल्सो हाईलाइटेड बाय द सेगमेंटेड मार्केट्स थेरी एंड देन वी से दैट इफ़ वी कंसिडर दीज एस्पेक्ट्स

सिंस आई एम इन्वेस्टिंग माई मनी और आई एम डिपार्टिंग फ्रॉम माई मनी फॉर अ लॉन्गर स्पैन ऑफ टाइम तो आई नीड टू बी कंपनसेटेड फॉर दैट लॉन्ग टाइम पीरियडस डिपारशन फ्राम माई मनी इन बाई है हायर हील्ड तो फ्यूचर में जो लॉन्ग टर्म बॉन्ड है उसके ऊपर एक्सपेक्ट किया जाता है कि उसका जो ही होगा वो हायर होगा एज कंपेयर टू शॉर्ट टर्म बॉन्ड के लिहाजा दिस पर्टिकुलर फिनन थोराटिकल कॉन्ट्रीब्यूशन एक्सप्लेन्स फैक्ट थ्री फैक्ट थ्री कह रहा कह रहा था कि मोस्टली इट हैज बीन ऑब्जर्व हिस्टोरिकल डेटा को हम देखते हैं तो वी ऑब्जर्व के मोस्ट ऑफ़ द टाइम्स जो आपका हील्ड कर्व है वो अपवर्ड मूव करा होता है जब हील्ड कर्व अपवर्ड मूव करा तो इसका मतलब है कि शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स के ऊपर लो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रही है लेकिन लॉन्ग टर्म के ऊपर जब आप इन्वेस्टमेंट करें तो यू एक्सपेक्ट दैट द इंटरेस्ट रेट विल बी हायर comparatively as compared to the short-term bonds.